पार्ट है, मेन हार्डवेयर है वो है प्रोसेसर। प्रोसेसर हमारे शरीर में जैसे दिमाग काम करता है वैसे ही प्रोसेसर कंप्यूटर में काम करता है, वो सबसे मेन पार्ट है। वो रैम के पास से डेटा लेता है और फिर उसे प्रोसेस करता है और उसे एग्जीक्यूट करके आगे कमांड भेजता है। प्रोसेसर बनाने वाली दो कंपनी है, इंटेल और एएमडी। एएमडी होते हैं वो गेमिंग के लिए होता है, इंटेल होता है वो हमारे नॉर्मल बिजनेस के लिए होता है, नॉर्मल यूज के लिए। उसके बाद आता है रैम। रैम है वो वॉलेटाइल मेमोरी। उसे वॉलेटाइल का मतलब है कि जब पावर सब्जेक्ट सर हम आज
का डेटा सेव करते हैं, तो डेटा हमारे मोबाइल में सेव नहीं होता, कोई मेल होता है, कोई फोटोज वगैरह होते हैं, गूगल ड्राइव यूज़ करते हैं, तो उसका डेटा क्लाउड पे जाता है। तो जो हमको सर्विस के लिए उसका नाम है सॉफ्ट, जैसे कोई थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर होता है उसके लिए हम ग्राम पंचायत ऑफिस में कॉल करते आउट ऑफ कंट्री कर सके, पर आपने एक आईपी एड्रेस आपने दिया कॉल।
સ્પીચ લગાવીએ ને આપણે હું વૈશાલી શાહ ફ્રોમ પ્યોર સ્કિલ ગ્રુપ ઓફ કંપનીઝ આપ સૌનું સ્વાગત કરું છું. આજે સાયન્સ સેન્ટરમાં અમે એક આઈટી ટેકવર 2K20 રાખી લઈને આવ્યા છે, જેની અંદર તમને સુરત કયા કયા ક્રાઇમથી બચવા માટે શું કરવું જોઈએ, સાયબર ક્રાઇમને રિલેટેડ કયા કયા ફ્રોડ થઈ શકે છે અને એના અવેરનેસ માટે આપણે શું કઈ કઈ વસ્તુનું અવેર રાખવું જોઈએ, એવા ઘણા બધા પ્રોજેક્ટ્સ તમને અહીંયા અમારા વિદ્યાર્થીઓ દ્વારા જે રજૂ કરવામાં આવ્યા છે તે તમને જોવા મળશે. એ સિવાય અમે એક વોટિંગ બૂથ પણ ઊભું કર્યું છે, જેમાં જે વિદ્યાર્થીઓના સ્ટોલ અથવા પ્રોજેક્ટ્સ તમને જે સૌથી વધારે ગમશે એને તમે ઓનલાઈન વોટિંગ આપીને તમે એને વિજેતા ઘોષિત કરી શકો છો. એ સાથે અમે ઉપર ગેમ ઝોનનું પણ આયોજન કર્યું છે, જેમાં તમારા બાળકો આવીને ગેમ રમી શકે છે. તો આપ સૌને આજના આ ઇવેન્ટમાં આવવા માટે વિનંતી કરું છું. થેન્ક યુ. સ્થિત હૈ પ્યોર સ્કૂલ કે સ્ટુડન્ટ કે સાથ મેં જિન્હોને અપના એક પ્રોજેક્ટ બનાયા હૈ. યહાં પે જો સ્ટુડન્ટ્સ હૈ વો હૈ બીનલ, રાંદેરી, ધારા, નીલ, નિજલ એન્ડ જનિલ. હમ ઉનસે બાત કરેંગે કે વો કબ સે પ્યોર સ્કિલ કે સ્ટુડન્ટ્સ હૈ. હમ 6 મંથ સે. જી, આપ સભી 6 મંથ સે હો? જી. આપને 6 મંથ મેં યહાં પે કોન સા પ્રોજેક્ટ બનાયા ઓર આપ સ્ટુડન્ટ્સ કો ક્યા બતાના ચાહતે હો? હમને હમારા પ્રોજેક્ટ હૈ, હમારા જો યે પ્રોજેક્ટ હૈ ઉસકા નામ હૈ હોમ ઓટોમેશન. इसमें क्या होता है, हम अपने घर के सारे अपने इलेक्ट्रिक कंपोनेंट को अपने एक अपने रिले स्विच के साथ कनेक्ट करेंगे और उस रिले स्विच को हम अपने वाईफाई मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करेंगे और वाईफाई मॉड्यूल के साथ अपने घर का जो नॉर्मल वाईफाई होता है, वाईफाई मॉड्यूल होता है, उसे हम कनेक्ट करेंगे. वाईफाई मॉड्यूल के साथ कनेक्ट करके हम अपने मोबाइल में हमने एक एप्लीकेशन बना रखा है. उस एप्लीकेशन से हम अपने घर कहीं से भी अपने घर के कंपोनेंट को एक्सेस कर सकते हैं. तो इसमें कोई वो नहीं है, मतलब रेंज नहीं है. हम कहीं से भी आउट ऑफ स्टेट, आउट ऑफ कंट्री, हम कहीं से भी इसे यूज कर सकते हैं. सो आगे और भी होता है, AI और वो सब होता है, गूगल असिस्टेंट और वो सब. पर उसमें क्या होता है, हमें उसके साथ हमें स्मार्ट डिवाइस भी लगाने पड़ते हैं, बल्ब और वो सब. तो उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है. यही, थैंक यू वेरी मच सर. ये प्रोजेक्ट आपने बनवाया इन बच्चों से, तो आप बताएंगे इसमें क्या स्पेशलिटी है? बेसिकली आज के आईटी के दौर में हम लोग जैसे जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आप काफ़ी मार्केट में दिख रहा है, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ जो हमारी जो गाड़ियाँ है घर में आज तक आ गया है. बेसिकली ये प्रोजेक्ट जो है ना वो होम ऑटोमेशन का है. इसे हम लोगों ने क्या किया कि आपके घर में जितने भी स्मार्ट डिवाइसेज है, जैसे लाइट हो गई, अगर आप टीवी ले लो या एसी ले लो, कोई भी हमारे गैजेट्स है जो घर में लगे हैं, आप उनको वाईफाई से कनेक्ट कर दो. मोबाइल से कहीं पे भी आप ऑन ऑफ कर सकते हो, यानी कि अगर गलती से आप भूल गए हो तो आप ऑफिस में बैठ के भी आपके डिवाइसेस को ऑन ऑफ कर सकते हो और इसके बेसिस पे आप अपनी बिजली या जितने भी इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो बिगड़ जाते हैं ज़्यादातर शॉर्ट सर्किट से, वो आप उससे बचा सकते हो. जी, हम आपको सुबह से बता रहे हैं कि हम साइंस सेंटर में उपस्थित हैं और यहाँ पे बहुत सारी कॉलेजेस और उसी तरह से बहुत सारे स्कूल्स के स्टूडेंट्स ने भी पार्ट लिया हुआ है. हम अभी बात करेंगे जीवन भारती स्कूल के स्टूडेंट के साथ में, जो अपना प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे आए हैं. आपका नाम बताइए मैम. जीवन भारती सर. आपका नाम बताइए. अमी नायक. अमी नायक, आप क्या प्रोजेक्ट लेके यहाँ पे आए हो? आर्टिफिशियल ह्यूमन आर्म. जी, तो इसके बारे में आप बताइए कि क्या कर रहे हो और किस तरह से ये काम कर रहे हैं. ઓકે, આર્ટિફિશિયલ હ્યુમન હેન્ડ લેટેસ્ટ અત્યારે કોરોના વાયરસ રિલેટેડ ચાઇનામાં જે વસ્તુ થઈ છે, તો રોબોટિક્સ આર્મની મદદથી માનવજાતને નુકસાન નહીં પહોંચે એ રીતના આપણે આર્મનો ઉપયોગ કરીને ઇન્ફેક્શનથી બચાવી શકીએ છીએ. અને 1 કિલોમીટર રેન્જ સુધીનું આ વર્કિંગ ડેમો મોડેલ બનાવ્યું છે અમે, અને તમે આને વધારે રજિસ્ટર્સ આપીને ઘણું સારું આના કરતાં મોડેલ બનાવી શકો. આગળની માહિતી. જે રીતના આપણે હાથ રોટેટ કરશું તે રીતના આ મોડલના પણ હાથ રોટેટ થશે. આ મોડલ આપણને ઉપયોગી થાય છે બોમ્બ ડિફ્યુઝ કરવા. જ્યારે બોમ્બ આપણે કંઈક મૂક્યો હોય છે ત્યારે બોમ્બને ડિફ્યુઝ કરવા માટે જવું હોય છે, પણ માનવજીવન કિંમતી છે. તેના માટે આપણે એક ડ્રોન વડે અથવા તો રિમોટ કંટ્રોલ વડે આપણે કેમેરો મૂકીને લઈ જઈ શકીએ છીએ, જે 3D ઇમેજ આપણને આંખમાં બતાવશે. આંખ પર જોતાં જે વ્યક્તિ જે કરશે તે રીતે જ તેના વાયર કટ થશે અને બોમ્બ ઓવર થશે.
કાર કંપનીનું પ્રોડ્યુસ કરવા માટે થાય છે, જેમાં કોઈ વ્યક્તિ કે ઈજા થાય કે વ્યક્તિ વેલ્ડિંગ મરતા તો તેના બદલે આ હાથ આપણે મૂકવામાં આવે છે, જેનાથી વ્યક્તિની જાનહાની પણ બચે છે. પોલાર્ડે 1930માં આને રજૂ કર્યું હતું. વિલિયમ પોલાર્ડ અને હેરોલ્ડ એ રોઝલેન્ડ 1930ના અંતમાં આને રજૂ કર્યું હતું. તેમાં 5 ડિગ્રી ઓફ ફ્રીડમ હતું. તેથી ગુડ આફ્ટરનૂન દર્શક મિત્રો, આજ હમ ઉપસ્થિત હૈ સાયન્સ સેન્ટરમાં જહાં પે પ્યોર સ્કિલ આઈટી એકેડેમીને ટેકફોર 2020 કા આયોજન કિયા હુઆ હૈ. યે બહોત જબરદસ્ત ઇવેન્ટ હૈ જો સારે સ્ટુડન્ટ્સ કો બહોત હેલ્પફુલ હૈ. અભી એક્ઝામિનેશન સીઝન ચલ રહા હૈ, હમ બતાતે હૈ કે યહાં પે સ્કિલ ડેવલપમેન્ટ કોર્સ કિસ તરહ સે હો રહે હૈ ઓર ઇસકે બારે મેં. યે પૂરા ઇવેન્ટ આજ સુરત શહેર મેં હો રહા હૈ. હમ અભી ઉપસ્થિત હૈ સાયન્સ સેન્ટરમાં, હમ બાત કર રહે હૈ યહાં કે રજિસ્ટ્રેશન કાઉન્ટર સે, જહાં પે વિરલ સર આપકો બતાએંગે કે સ્ટોલ મેં ક્યા ક્યા હૈ. एक रजिस्ट्रेशन डेस्क है जहाँ पे हम लोग जो जितने भी हमारे इनवाइटीज़ है, गेस्ट है, उनका रजिस्ट्रेशन होगा और उनके बाद हम लोग उनको सारी टेक्नोलॉजीज़ दिखाएंगे और उनके बाद फाइनली उनको एक वोटिंग करके जो विनर्स है, जो अच्छे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, उनको आप वोट दे के वो आगे बढ़ेंगे. विरल सर, यहाँ पर वोट देने के लिए स्टूडेंट्स बाहर से आ रहे हैं? हाँ, बाहर से भी आ रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स हो गई, कॉलेज हो गई, सूरत के नॉर्मल पीपल भी हो गए जिन लोगों को टेक्नोलॉजी के बारे में पता भी नहीं है, तो वो यहाँ पे आके अलग अलग टेक्नोलॉजी को देखेंगे तो उनको अच्छा एक नॉलेज भी मिलेगा, जिनकी वजह से अगर उन फ्यूचर में उनको कुछ, अगर उनके बच्चे के लिए या उनके कुछ रिलेटिव्स के लिए ज़रूरत पड़ेगी तो वो आगे भी कुछ कर सकते हैं. जी फ्रेंड्स, हम बता दें कि यहाँ पर आज आप कभी भी आके रात को 8 बजे तक होगा, 8 बजे तक स्टूडेंट्स वोटिंग कर सकेंगे. अलग अलग प्रोजेक्ट लगे हुए हैं और सारे प्रोजेक्ट आप विजिट करो, किस तरह से टेक्नोलॉजी काम करता है, ये सारी बातें यहाँ पे है. तो आप सभी को आज के वोट के लिए हम यहाँ पे इनवाइट करते हैं. हम आगे देखते हैं यहाँ पे क्या है. जी, बहुत सारी भीड़ लगी हुई है, आप कहीं कोई रह ना जाओ, ऐसी कोशिश करिए इस टेक वॉर को विजिट करने के लिए आए हुए. हम यहाँ पर दूसरे स्टॉल पर उपस्थित है जो प्योर सिल्क का खुद का स्टॉल है. वहाँ पे वोटिंग बॉक्स भी रखा हुआ है, आप यहाँ पे आके विजिट करके आप यहाँ पे आपका वोट भी डाल सकते हो. दूसरी बात है, यहाँ पे लकी ड्रॉ बॉक्स भी रखा हुआ है. सर, आप बताएं कि इस स्टॉल में क्या क्या विशेषता है और यहाँ पे इस स्टॉल पे आप स्टूडेंट्स को क्या बताओगे? एक्चुअली यहाँ पे अभी जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं, एक्चुअली आईटी का सब बाजू बहुत ज़्यादा महत्व हो रहा है, तो आईटी की टेक्नोलॉजी जितनी नई टेक्नोलॉजीज आ रही है उसमें साइबर क्राइम जो हो रहा है उसको कैसे रोका जा सकता है और उसमें आगे जो न्यू टेक्नोलॉजीज है उसमें कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो पूरा यहाँ पे बताया जा रहा है कि आईटी कितना इम्पोर्टेंस है और उसका आगे कैरियर क्या है उसके लिए. जी, बहुत अच्छी बात. आईटी की कितनी इम्पोर्टेंस जीवन में है, इस तरह से आज पूरा दिन यहाँ पर हम आईटी एक जो एक्सपो देखेंगे और सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर विजिट करेंगे. सारे स्टाफ यहाँ पे लगे हुए हैं और उन्होंने एक बहुत बढ़िया सा बैग बनाया हुआ है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है. कौन बताएगा कि इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन रखी हुई है? प्योर स्किल की सब इन्फॉर्मेशन है, कौन सी क्लासेस चल रही है, कौन सी टेक्नोलॉजी नहीं आई है, सब चीज़ें है इसमें. बहुत अच्छी बात है, यहाँ पे प्योर स्किल की सारी इन्फॉर्मेशन. तो जो भी स्टूडेंट्स पेरेंट्स यहाँ पे विजिट करें, उन सबसे निवेदन है कि ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लेके जाए. सर, आप प्योर स्किल के साथ कब से जुड़े हुए हो? मैं करीबन 1 साल से जुड़ा हुआ हूँ. क्या करते हो आप यहाँ पे? मैं .NET का स्टूडेंट हूँ और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके. थैंक यू वेरी मच. हमने बहुत सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखा. ये वोटिंग बूथ है. सर, बताएंगे यहाँ पे क्या सिस्टम है और किस तरह से स्टूडेंट्स अपना वोट देंगे? जैसे कि मैंने पहले बताया कि रजिस्ट्रेशन होने के बाद जितने भी हमारे इनवाइटीज़ है वो सारे इनवाइटीज़ एक एक टेक्नोलॉजी लिखेंगे और उनके बाद उन लोगों को जो टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है वो यहाँ पे उन लोगों को विनर करेंगे जिन लोगों की टेक्नोलॉजी अच्छी लगी है, और उसके बाद जो जिसके सारे ज़्यादा वोट होंगे, जिसके सारे ज़्यादा परफॉर्मेंस अच्छा होगा, उनके बेस पर हम लोग उसको विनर देंगे.